17 मई विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 के द्वारा जन जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 17 मई विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने के ये उद्देश्य का मुख्य कारण असामयिक मौत को रोकना है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा व भिलाई 3 स्वास्थ्य सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि साधारण भाषा में इसे ब्लड प्रेशर अथवा बीपी का रोग कहते हैं। सामान्यतः इसका प्रमुख कारण तनाव और अनियमित जीवन शैली है। वैसे तो 30 वर्ष की आयु के बाद सभी को अपने रक्तचाप मतलब बीपी और शुगर की जांच करानी चाहिए, जिससे बढ़ती उम्र और दिन भर की भागदौड़ और जीवन शैली का शरीर पर इन रोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका पता चल सके। वहीं संगोष्ठी में उपस्थित लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से बताया गया कि सामान्य रूप से शरीर में रक्त का सामान्य भाषा में ऊपर का 120 और नीचे का 80 मेडिकल भाषा में सिस्टोलिक और डायलोस्टिक कहते हैं। साथ ही यह भी बताया गया इस संबंध में शासन इन्हें CTU हाइपर टेंशन कंट्रोल प्रोग्राम चला रही है, जिसका उद्देश्य उक्त रक्तचाप से होने वाली मृत्यु को रोकना है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है असामयिक मृत्युओं को रोकना, शरीर में बहने वाले रक्त के प्रभाव को नापने की विधि को ब्लड प्रेशर नापने की विधि की जाती है, जिसके माध्यम से सिस्टोलिक और डायलोस्टिक रक्तचाप नापा जाता है। इसको साधारण भाषा में ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी कहते हैं। तो सामान्यतः 120/80 होना चाहिए एक व्यक्ति का। अगर इससे अधिक किसी का होता है तो ये थोड़ा सा असामान्य है। इसको तुरंत चिकित्सकों से मिलकर इसके कारण को जानना चाहिए। इसका प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप का तनाव है, अनिंद्रा है, अनियमित जीवन शैली है, जिसमें खान पान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो गशिष्ट भोजन रात्रि में खा लेते हैं, तेल, नमक, मिर्च, मसाला अत्यधिक मात्रा में जो ले लेते हैं, शराब का सेवन और धूम्रपान का सेवन, ये सब चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह हैं। इसको रोकने का प्रमुख कारण ये है कि कम उम्रों में आप देखेंगे कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा जैसी शिकायतें देखने के लिए मिल रही है। तो सरकार का एक कार्यक्रम IHCI प्रोग्राम आया, इनिशिएटिव हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम एक पासपोर्ट बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को जो 30 साल से ऊपर आयु का है, उसको यहाँ पे CHO और ANM RHO के माध्यम से और PSC में डॉक्टरों के माध्यम से उसका रक्तचाप नापते हैं। आते साथ उसका पहले पर्ची बनेगी, पर्ची बनने के बाद उसका BP नापा जाएगा। BP नापने के बाद अगर BP सामान्य से अधिक आया या कम आया तो उसको एक रजिस्टर में नोट करेंगे, और सामान्य आया तो उससे पूछेंगे कि कहीं तनाव से तो नहीं आया, पैदल चल के तो नहीं आया। थोड़ा देर के बाद फिर BP नापेंगे। अगर BP उसी स्थिति में रहेगा तो स्टार्टिंग दवाई से उसका उपचार शुरू करेंगे और उसको एक पासपोर्ट बना के देंगे, जिसमें उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, मितानिन का नंबर, एरिया का नंबर, सामने की स्वास्थ्य संस्था लेकर रहेगी। एक महीने के बाद फॉलो अप में उसको फिर बुलाएंगे। प्रारंभिक दवा से अगर उसका BP ठीक हो गया, उसको नमक कम खाने की सलाह देंगे, पूरी नींद लेने के लिए बोलेंगे, पैदल चलने बोलेंगे, व्यायाम करने बोलेंगे। इसके माध्यम से कम दवाई से और व्यायाम, योगा और पूरे स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से अगर उसका BP ठीक हो जाता है तो उसका वही दवाई रहने देंगे। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो उसमें फिर चिकित्सकों के माध्यम से सलाह अनुसार टेलीमेडिसिन के माध्यम से दवाई में इंक्रीज करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक ना हो। बहरहाल संतुलित आहार और व्यायाम करने के साथ चिकित्सकों की सलाह से BP की दवा लेना जरूरी है, और साथ ही नियमित सेवन करने से इस रोग को नियंत्रण करने में सहयोग मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।